उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतदाताओं को नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता पर्वक जानकारी देने के साथ ही मतदान करने की भी शपथ दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून आईटीआई पार्क के राजेश्वर नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वीप झरना कमठान सहित स्वीप से जुड़े अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक सहित जागरूकता वीडियो भी लॉन्च किया गया। इसके साथ ही मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस बार तो मतलब अभी सोचा नहीं है ना एकदम से, पर मैं वोट देने जरूर जाऊंगी और सोचूंगी यहाँ पर कि किसको दूं जो प्रत्याशी। बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा उत्साह है। और जी हाँ, मेरा पहला वोट है इस साल और अच्छा रहेगा, काफ़ी सही कि वोट दीजिए आने वाले टाइम पे। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वोट देना, जैसे कि हर जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक वोट के लिए बहुत ज़्यादा वोट। एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इस लोकतांत्रिक देश में हर एक को वोट देना जरूरी है, क्योंकि वोट की एक्सरसाइज करना जरूरी है किसको वोट देना है। जैसे कि आजकल के समय में बायसनेस बहुत हो रही है कि एक ही जगह लहर जा रही है वोट की, हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, दोनों पक्षों को देखना चाहिए और तब जाके अपना वोट देना चाहिए। देखिए, हमने ऐसे प्रकरण चिन्हित करे हैं कि पूरे जनपद में ऐसे कितने प्रकरण हैं जहाँ पर इस तरह का कोई विषय आया है जिसको लेकर के मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा की है। तो इसमें कई जगह हमें सफलता भी प्राप्त हुई है, हमने मतदाताओं से बात करी है और उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है सड़क की मांग से संबंधित मांगे हैं और उसमें भी ये समस्या है कि कहीं पे फॉरेस्ट क्लियरेंस ना मिलने की वजह से जो है वो सड़क नहीं बन पा रही है। तो वहाँ जाके मतदाताओं को समझाया गया है कि कुछ औपचारिकताएं होती हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी, उसको उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इस कारण से वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना करने का वो ना लगाएं और मताधिकार जरूर करें, ये उनसे अनुरोध किया गया और इसमें काफ़ी सहमति भी बनी है। कल मिसरास पट्टी में भी मैं स्वयं गई थी और वहाँ मतदाताओं से बात करी गई, उसके बाद उन्होंने मतदान करने के लिए अपनी सहमति भी दी है और मतदाता शपथ भी ली।